बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसी दैट इज ओडेसिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओडेसिटी बेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों है। पहला पॉइंट जिसकी वजह से ये बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो है कि ये फ्री टू यूज है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि कई बार होता है कि कुछ फंक्शंस फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं सारे फ्री टू यूज है। दूसरा पॉइंट है ये ईजी टू यूज है, मतलब कि इसमें जैसे माइक लगाना है उसका सेटअप करना है वो बिल्कुल आसान, फिर रिकॉर्डिंग करनी है सिर्फ एक क्लिक से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग करनी है वो भी कुछ बेसिक ऑप्शन उनसे एडिटिंग हो जाती है, और एक्सपोर्ट करनी है ऑडियो तो वो भी वेव फॉर्मेट या MP3 जिसमें भी एक्सपोर्ट करनी है बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये और इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी देर में बातें भी करूंगा सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर ले जाकर। इसके बाद आते हैं इसमें जो फीचर्स हैं वे, तो इसमें जिन फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि नॉइज रिडक्शन, कंप्रेसर, बेस ट्रेबल बूस्ट, मतलब कि अगर आवाज़ थोड़ी भारी करनी है या फिर थोड़ी क्लियर सुनानी है तो उसके लिए बेस और ट्रेबल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आवाज़ में इको या रिवर्ब डालनी है, इनके बारे में भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कौन करता है जिसकी वजह से ये इतना फेमस और बेस्ट है। तो इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी सिंगर्स अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं अपने सॉन्ग्स की ऑडियो को, और काफ़ी ज़्यादा बड़े क्रिएटर्स भी अपनी वीडियो के टाइम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड इसी सॉफ्टवेयर से करते हैं। और अभी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को चेक करने और इसके ट्यूटोरियल पर जाने से पहले इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि ये डाउनलोड कहाँ से करना है, तो मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और इसमें सर्च करना है डाउनलोड ओडेसिटी, और पहले इसकी साइट आ जाएगी जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है या फिर मैक के लिए, तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और उस पर क्लिक करते ही सीधा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, तो अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। उसके बाद तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, सिंपल जो इंस्टॉल करने के लिए स्टेप्स होते हैं वही फॉलो करने हैं। इसके बाद चलते हैं इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर। ये सॉफ्टवेयर दिखने में कुछ ऐसा है, और अब इसके बेसिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जिस पर अभी क्लिक किया है इसमें हमें जो हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो माइक अवेलेबल है वो शो होते हैं। ये मैंने माइक अभी ये माइक मैंने अभी अपने लैपटॉप में प्लग इन कर रखा है, तो ये भी शो हो रहा है। और ये दो ऑप्शन पहले इसमें है जो कि लैपटॉप के इंटरनल माइक्स हैं। उसके बाद यहाँ हेडफोन के ऑप्शन होते हैं कि मैंने अभी हेडफोन प्लग इन नहीं कर रखा, तो यहाँ पर हेडफोन का ऑप्शन नहीं है, पर जैसे स्पीकर जो लैपटॉप के इंटरनल स्पीकर्स हैं वो शो हो रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट प्लेबैक लैपटॉप के स्पीकर है अभी। उसके बाद ये रेड कलर का बटन है, इससे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और अब ये स्क्वायर है, ये इस पर दिखा भी देता है कि स्टॉप का बटन है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टॉप हो जाती है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये ऑप्शन है क्रॉस का जिस पर अभी कर्सर है, इससे हम ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्टली अगर गलत रिकॉर्ड हो गया है तो। और फिर अंडू का बटन है, कर्सर पर ध्यान रखो ये अंडू का बटन, या फिर कंट्रोल जेड भी दबा सकते हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग वापस आ जाएगी। उसके बाद जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद माइक की रिकॉर्डिंग का लेवल सेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं जैसे अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जैसे अभी रिकॉर्डिंग शुरू होगी और अगर माइक रिकॉर्डिंग वॉल्यूम कम करते हैं तो हमारी आवाज़ कम रिकॉर्ड हो रही है, मैं बोल उतनी तेज़ रहा हूँ पर रिकॉर्डिंग कम हो रही है, और अगर इसको फुल कर देते हैं तो ज़्यादा तेज़ रिकॉर्डिंग होने लग जाती है। तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आपकी बैकग्राउंड नॉइस है, या फिर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं आवाज़ जिससे डिस्टॉर्ट ना हो, यानी कि फटी फटी साउंड ना करे। फटी फटी साउंड कब करती है, जब माइक हमारे ज़्यादा पास होता है और हम ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, तो जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊपर होगी, तो उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके इनको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा इस ऑडियो को, और इसमें अब इफ़ेक्ट्स लगा के देखते हैं इफ़ेक्ट्स कहाँ से आएंगे। सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन की बात कर लेते हैं, वो पार्ट सिलेक्ट करो सबसे पहले जिसमें हमारे वोकल्स नहीं हैं। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे
तो ये सॉफ्टवेयर इसको नॉइज मानेगा, पर हमें पहले वो सिलेक्ट करना जो रियल में नॉइज है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाने के बाद नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल। इससे सॉफ्टवेयर को ये पता चलेगा कि इसमें नॉइज कौन सा पार्ट है। तो ये पता लगने के बाद अब हम पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके इसमें नॉइज रिडक्शन पर जाके ओके पर क्लिक कर देते हैं। जो डिफॉल्ट सेटिंग उसी को रहने दे, वही ठीक है। तो इसके बाद हमारी वॉइस में से नॉइज़ रिड्यूस हो गई है। इसके बाद अब इसको अगर थोड़ा ये वॉल्यूम कम लग रही है और इंक्रीज़ करनी है, तो फिर हम इसके बाद नॉर्मलाइज़ का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मलाइज़ में ये आवाज़ बढ़ेगी, और इसमें देखा होगा कि एक ऑप्शन था कि -3 dB। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ -3 dB है, तो ये यहीं तक जारी। अगर नहीं देखा हो तो एक बार फिर देखो, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती। और अगर इसको -3 dB के बजाय 0 कर दें और अब इसको प्ले करें, रिकॉर्डिंग शुरू। अब देख सकते हो ये 0 तक जारी है। तो ऐसे करके इसके साथ ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, जो कि बेस्ट फिट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन हो गया, जो हमारी वॉल्यूम थी वो इंक्रीज होगी। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर क्या करता है कि जो आवाज़ ऊपर थी और जो नीचे थी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था। जैसे आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो कंप्रेसर क्या करता है कि जो वॉल्यूम नीचे है उसको ऊपर वाले वॉल्यूम के मुकाबले ज़्यादा ऊपर उठा देता है, जिससे उनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये ऊपर थी और ये नीचे थी, इनमें ज़्यादा गैप नहीं बचा अभी, पर पहले बहुत ज़्यादा गैप था। तो एक कंप्रेसर हो गया। इसके बाद जैसे रिवर्ब ऐड करनी है, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। इससे क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ में डेप्थ और मोटापन आएगा, जिससे थोड़ी गूंज कह सकते हैं रिवर्ब को। उसके बाद कुछ ऑप्शंस जैसे इको वगैरह, इन सभी ऑप्शंस के बारे में या कह सकते हैं इन सभी इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही समझ सकते हो कि नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हो और अपनी जो वॉल्यूम नीचे या ऊपर रिकॉर्ड हुई है उसको बैलेंस कर सकते हो। और उसके बाद एक्सपोर्ट की भी बातें कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जब फाइल में जाकर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, और इसे MP3 या फिर वेव फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बड़ी ऑडियो क्वालिटी के लिए वेव फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना होता है, और जहां भी एक्सपोर्ट करना है वहां इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जान पाए होगे कि Audacity सॉफ्टवेयर के क्या फायदे हैं, कहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।